आप में से कितने लोग जवान रहना चाहते हैं? जवान मतलब सच में लंबे समय तक जवान। तो लगभग सभी लोग हाथ उठाकर कहेंगे कि हाँ भाई, हमें जवान रहना है। और इसी लंबे समय तक जवान रहने के लिए हम न जाने क्या क्या कर्मकांड करते रहते हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स, टॉनिक, चूर्ण, सप्लीमेंट, पाउडर, स्पा जाना और न जाने क्या क्या कर्मकांड करते रहते हैं ताकि हम लंबे समय तक जवान या फिर यंग बने रहें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जवान रहने की सबसे सस्ती और असरदार दवा, जिसे कि आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में कहा गया है कि वह स्थापना नाम श्रेष्ठम, अर्थात जवान रहने की जितनी भी वर्ल्ड में दवाइयां हैं उसमें ये सबसे बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं वो दवा क्या है। जवान रहने की या फिर लंबे समय तक जो यंग रहने की हमारी इच्छा है, उसके लिए वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट दवा है उसका नाम है आमलकी। आमलकी संस्कृत शब्द है जिसे कि हिंदी में आंवला कहा जाता है। जी हाँ, हम लोग लकी हैं क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी आमलकी या फिर आंवला होता है। अब ठंडियों का मौसम शुरू हो गया है और उसी के साथ आपको हर जगह आंवला मिलना चालू हो जाएगा। ये क्या विशेषता है आंवले की और क्यों ये जवानी की सबसे बेस्ट दवा कही गई है, चलिए जानते हैं। आंवला आयुर्वेद में उन खास दवाइयों में से एक है जिनमें 6 में से 5 रस अवेलेबल है। जी हाँ, नमक को छोड़कर बाकी 5 के 5 टेस्ट आंवले के अंदर मौजूद हैं, पाए जाते हैं। इसके बारे में सुश्रुत ऋषि कुछ इस तरह कहते हैं, चक्षुष्यम सर्वदोषघ्नम वृष्य आम्लकी फलम। चक्षुष्यम अर्थात आँखों के लिए अगर कोई बेस्ट आपको टॉनिक चाहिए, एकदम सस्ता और ईजिली अवेलेबल हो, तो आंवला उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप में से बहुत सारे लोग ने कमेंट करके पूछा था कि आँखों के लिए कोई दवा बताओ, तो एकदम सस्ती अगर आपको दवा चाहिए सो आंवला बेस्ट है। और इसी आंवले को मिलाकर बनने वाला त्रिफला रात में शहद और घी विषम मात्रा में मिलाकर लिया जाए तो सबसे बेस्ट आँखों में काम करता है। ये शरीर की धातुओं को बढ़ाता है, खास करके शुक्र धातु को। ठंडियों का मौसम जबकि सर्वोत्तम समय है उत्तम संतान पाने का, या फिर ये समय सबसे अच्छा है मैथुन के लिए, सो आंवले का सेवन आपके शरीर की धातुओं को बढ़ाता है। और अगर शुक्र धातु कमज़ोर हो रही है तो आंवले के सेवन से शुक्र धातु की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ती है। एक और गुण इसके बारे में कहा गया है कि ये सर्वदोषघ्न है, अर्थात वात, पित्त और कफ, 3 के 3 दोषों को कंट्रोल करने की ताकत इस आंवले के अंदर पाई जाती है। और इसी आंवले का बॉडी के अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग तरह के इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि जो पाचन संस्थान है, अगर हम आंवला खाएं तो ये दीपन, ये अग्नि को बढ़ाता है, पाचन करता है। और खास करके अम्ल पित्त, एसिडिटी के जो रोग होते हैं पित्त के कारण, जो लोग बहुत ज़्यादा तीखा तला ऐसी चीज़ें खाते हैं और उनको जलन होती है, ऐसे लोग अगर आंवला खाते हैं तो उनके लिए वो एसिडिटी या अम्ल को कम करता है। ये हेपेटो प्रोटेक्टिव है, अर्थात लीवर को एक्टिव करता है और लीवर की बीमारियों से आपके लीवर को सुरक्षित रखता है। इसका इफेक्ट हार्ट पे बहुत अच्छा है, ये ब्लड प्यूरिफायर है। और स्त्रियों का अगर गर्भाशय कमज़ोर है या फिर बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, एकदम पतला सफ़ेद पानी जाता है और उसके कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है, अगर ऐसी स्त्रियां आंवले का सेवन करें तो वो आंवला उनके गर्भाशय को बल देता है और सोम रोग या श्वेत प्रदर में ये बहुत अच्छा काम करता है। आंवला खाने से आपका यूरिनरी सिस्टम अर्थात पेशाब के उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, यह मूत्रल है। और डायबिटीज़ या प्रमेह के रोगी जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन होता है, खास करके ठंडियों के मौसम में भी ये तकलीफ़ होती है कि ठंडी के कारण रात में बार बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूरिन होता है, ऐसे लोगों के बारे में आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि ने अपने उत्तर स्थान में कहा है, मे हेशु धात्रे निशा, अर्थात जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन होता है ऐसे लोगों को आंवला और हल्दी अगर वो मिलाकर खाएं सुबह खाली पेट, शहद भी ऐड कर सकते हैं उसमें, बार बार यूरिन होने की जो समस्या है उसे कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करता है। आंवले का इम्पैक्ट स्किन त्वचा पर भी है और आयुर्वेद में इसे पापहर कहा गया है। सो जो त्वचा रोग हैं, स्किन डिसऑर्डर होने के आयुर्वेद में कई कारण बोले हैं जिसमें से एक कारण पाप भी कहा गया है,
मतलब कुष्ठ रोग को पूर्व जन्मकृत पापों के कारण भी होने वाला कहा गया है। और आंवले के गुण को आयुर्वेद ने पापहर ऐसा कहा है। सो जिनको त्वचा की तकलीफ है, स्किन की तकलीफ है, ऐसे लोग या तो नहाते समय पानी में थोड़ा आंवला पाउडर मिक्स करके उस जल से स्नान करें, या आंवला बहुत मिलता है ये सीज़न में, उसका आप पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को त्वचा पे लगा के फिर आप पानी से स्नान कर सकते हैं। तो त्वचा के रोगों में भी आंवला बहुत अच्छे टॉनिक का काम करता है। इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो सातों धातुओं को तो ये नरिश करता ही है, पर मज्जा जो है, मज्जा धातु जिससे हमारा ब्रेन, आँख ये बनी हुई है, उस पर बहुत इम्पैक्ट करता है। और शुक्र धातु को नरिश करने पे, शुक्र की ताकत बढ़ाने में आंवले का बहुत अच्छा एक्शन पाया गया है। इसलिए आंवले का रोज सेवन करना आपके लिए ठंडियों में, या फिर आप में से जितने भी लोग यह जवान रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये एकमात्र ऐसा फल है जिसके बारे में सुश्रुत ऋषि ऐसे कहते हैं कि इसे खाने के पहले, खाने के बीच में और खाने के बाद आप कभी भी खा सकते हैं। इतना ज़्यादा कमाल का ये फल माना गया है। और आयुर्वेद में इसी आंवले की कई सारी प्रिपरेशन कही गई है। सबसे ज़्यादा फेमस च्यवनप्राश, उसका मेन इंग्रेडिएंट आंवला है। धात्री रसायन, ब्रह्म रसायन, धात्री लोह, आमलकी रसायन, इन सारी ऐसी कई सारी आयुर्वेद की दवाइयों का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आंवला है। इसीलिए चरक ऋषि जब अपनी रसायन अध्याय को लिख रहे थे तो उसमें जो विशेष औषधियों का उन्होंने वर्णन किया है उसमें उन्होंने आंवले को विशेष स्थान दिया है। और आयुर्वेद में उम्र को रोकने वाली या लंबे समय तक जवान रहने वाली सभी दवाइयों में आमलकी व्यवस्थापना नाम श्रेष्ठम ऐसा शब्द कहा है, अर्थात आमलकी सर्वश्रेष्ठ है लंबे समय तक जवान रहने के लिए। तो ठंडियों के मौसम में जब आंवला इजिली हर जगह अवेलेबल रहेगा, आप आंवले को सभी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का जूस, या सबसे बेस्ट तो रहेगा कि आंवले का अगर आप फल डायरेक्ट चबा कर खाएं। अगर आपको औषधि युक्त आंवले का यूज़ करना है तो आमलकी रसायन या फिर च्यवनप्राश, धात्री लो, ऐसी बहुत सारी आंवले की प्रिपरेशन है जो कि आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के आपके लिए ले सकते हैं। आंवले को खाने का सबसे बेस्ट टाइम रोज सुबह खाली पेट लेना सर्वश्रेष्ठ रहता है, क्योंकि जब सुबह उठने के बाद भूख अच्छी रहती है, ऐसे समय पर आप रसायन खाएं तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद करेगा। तो इस देश में जबकि आंवला इतना सारा अवेलेबल है, आप अगर 16 साल की उम्र के ऊपर हैं और आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आप जवान रहें, आपके बाल काले रहे, त्वचा अच्छी रहे, बॉडी अच्छी स्ट्रांग बनी रहे, तो महंगे महंगे टॉनिकों में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आंवले का सेवन आप अपने दैनिक जीवन में जरूर लेकर आइए। ये सबसे बेस्ट और सबसे सस्ती दवा है। हमारा देश लकी है क्योंकि हमारे देश में इतना सारा आमलकी पाया जाता है। आंवले से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।